गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कॉरपोरेट में जो मेन जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि अपने कॉरपोरेट वाली बुक में अपने को कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं वो सभी आपको मैं बताऊंगा, साथ में यूनिट भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कौन सी यूनिट में है। देखिए, अपनी ये जो बुक है इसमें कंपनी से रिलेटेड ही टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि इस बुक का नाम क्या है, कॉरपोरेट अकाउंटेंसी। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी को ही बोलते हैं कॉरपोरेट सेक्टर। आपने नाम सुना होगा कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, कंपनी जगत। ठीक है, अपना जो देश है इसको कॉरपोरेट सेक्टर ही चलाता है, क्योंकि टैक्स का जो कलेक्शन होता है सबसे अधिक कॉरपोरेट सेक्टर से ही होता है। तो देखिए, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर में अपने को काम करना करने का मौका मिले तो ये जो बुक है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। यदि हम कंपनियों में कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस बुक से रिलेटेड ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अपने को परीक्षा की भी ओर से तो तैयार करना ही है, साथ में ही आगे भविष्य के लिए भी इस ये टॉपिक अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो यस स्टूडेंट्स, देखिए अपने टॉपिक है, ये फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है ये अपनी यूनिट नंबर सेकेंड में रहेगा। इसके साथ ही दूसरा लिखा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये दोनों टॉपिक है वो अपनी यूनिट नंबर सेकंड में है, ये यूनिट नंबर सेकंड में रहेंगे। इसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, ये दो टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट यूनिट में है, ये फर्स्ट यूनिट में रहेंगे। दो टॉपिक है, एक तो नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, दूसरा है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एंड मैनेजर रेमुनेशन, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एंड मैनेजरल रेमुनेशन। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक, और साथ में ये लास्ट में जो टॉपिक लिखा हुआ है अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ये तीन टॉपिक अपने थर्ड यूनिट में रहेंगे। तो ये जो तीन टॉपिक है ये थर्ड यूनिट का है, एक ये लास्ट में है, ये थर्ड यूनिट का है। तो इस प्रकार से थर्ड यूनिट में तीन टॉपिक है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एंड मैनेजर रेमुनेशन, दूसरा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा है अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ शेयर्स। इसके बाद देखिए अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये यूनिट नंबर फाइव में है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, ये यूनिट नंबर फोर्थ में है। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ये भी यूनिट नंबर फोर्थ में है। और डबल अकाउंट सिस्टम, ये जो दे रखा है ये अपना यूनिट नंबर फिफ्थ में। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपके टॉपिक है जो मैंने आपको बताए, आप देख पा रहे हो सभी, आप अपने नोटबुक में बाद में वीडियो देखो ना तो नोट कर लेना, ये अपनी पूरी कॉरपोरेट की बुक है, ये टॉपिक रहेंगे। अब इसमें मेन कौन से हैं वो आगे बताएंगे, अभी तो सभी मेन हैं, सभी को अपने को तैयार करना है। तो देखिए, आज मैं आपको विजिट कराता हूँ सभी टॉपिकों के बारे में, नॉर्मली बातें बताता हूँ कि ये देखिए थर्ड ईयर में ये जो बुक है अपनी कॉरपोरेट वाली, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको 11th से लेकर अभी तक जो आपने अकाउंटेंसी का नॉलेज लिया है वो सभी आपके माइंड में हो तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाते हैं, और वो 11th से लेकर अभी तक का अकाउंटेंसी का जो नॉलेज है वो आपके माइंड में हो या ना हो, ना हो तो प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबको पता है कि
बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में भी 12वीं क्लास का जो भी मेटेरियल है वो क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर का कर देते हैं। नॉर्मली यही आदत रहती है बच्चों की। तो बेटा इसमें पेपर में अपने को वापस रिमाइंड करना है, वापस वही बात याद रखनी है कि आपने फर्स्ट ईयर में, 11th में, 12th में क्या क्या नॉलेज लिया था अकाउंटेंसी का, वो सभी बातें इसमें आपको याद रखनी है। मैं आपको कहूँगा इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ट्रांजेक्शन बोलूँगा कि इस ट्रांजेक्शन प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप अपना माइंड लगा के बताओगे कि सर इंक्रीज है या डिक्रीज है। कहने का मतलब P&L अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी है, इंट्रियो का नॉलेज होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सभी बातें आपको, ये तो मजाक में बता रहा था कि हिसाब कर देते हो, वैसे आप आता है नहीं आता है तो मैं थोड़ा रिपीट कराऊंगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके याद आ जाएगा, ये कन्फर्म है क्योंकि आपने सीखा है 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कहने का मतलब थोड़ी सी इस बुक में मेहनत अधिक करनी है, बस इतना ध्यान रखना है, मेहनत अधिक करेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। यूनिट नंबर फर्स्ट में दो टॉपिक है, एक तो है ये यूनिट नंबर फर्स्ट है अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और अमलगमेशन ऑफ कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब है कि कंपनी की कंडीशन है वो वीक है और उसको आपको इंटरनल सोर्स से ही सही करना है। कहने का मतलब कंपनी की कंडीशन खराब है, तबीयत खराब है ये मान लीजिए, और उसको आपको ही सही करना है। इंटरनल का मतलब है आपके ही एक्सपर्ट, कंपनी के एक्सपर्ट जो है वो ही उसको वापस सही कंडीशन में लाएंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी मतलब उन्हें निर्माण करना है, कंपनी का सही कंडीशन में लाना है, कंपनी की कंडीशन खराब है और उसको सही करना है, ठीक है। इसके बाद है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। अमलगमेशन ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, कंडीशन कंपनी की खराब थी, इंटरनल सोर्स आपने पूरे यूज किए बट कंडीशन सही नहीं हो पाई, इसलिए उसका अमलगमेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल एडवाइस लेनी पड़ेगी और उसके बाद उस कंपनी की कंडीशन को सही करना होगा। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल का मामला है। कहने का मतलब फर्स्ट जो यूनिट है वो कंपनी की कंडीशन खराब है, उसको वही सही कंडीशन में लाने के लिए दोनों टॉपिक है, जिससे हम कंपनी की कंडीशन खराब हो तो उसको सही कर सकते हैं। तो देखिए अपन कॉर्पोरेट सेक्टर में यदि काम करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो किस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है, वो सभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रखे हैं वो फर्स्ट यूनिट में रहेंगे। यूनिट नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, उसमें है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये दो टॉपिक है अपने यूनिट नंबर सेकंड में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम शेयर्स परचेज करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू एक तो होती है नॉमिनल वैल्यू, जो जब शेयर इशू किए जाते हैं ना, जब उसके साथ है जैसे 10,000 रेट ऑफ हैंडेड इज, तो रेट ऑफ हैंडेड इज नॉमिनल वैल्यू। और ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है, जिसमें आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या है, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है ना, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है जिससे आप शेयर्स को परचेज कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। तो शेयर्स की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ये काम करना है अपने को, और गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। ये यूनिट नंबर सेकंड है। अब देखो यूनिट नंबर जो सेकंड है ये इस बुक की सबसे आसान यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड है, थर्ड में अपने पास टॉपिक है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी एंड मैनेजर रेगुलेशन। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट और मैनेजर रेमुनरेशन। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो आता है उस पर आपको मैनेजर को कमीशन चार्ज करना है, उसके कुछ रूल है, उस रूल के नियम के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के नियम के अकॉर्डिंग अपने को कमीशन देना है, क्लियर। तो इसमें अपने को ये काम करना होगा, फाइनल अकाउंट बनाना है, उसके बाद NP अकाउंट करना है, और नेट प्रॉफिट जो आता है उसके बाद आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट आने के बाद मैनेजर को कमीशन देना है, कितना देना है वो इनकम टैक्स की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग अपने को परसेंट देनी है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट।
ये टॉपिक एम कॉम लेवल तक आता है। इसमें काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो एम कॉम ए बी एस टी आप करते हो ना, उसमें भी ये टॉपिक है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट है। अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट है, जैसे ये टॉपिक भी वेरी वेरी मोस्ट है। इसमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट हो गया कंपनी को तो उसको आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है कि ये प्रॉफिट का आप क्या करोगे, किसमें कितना ट्रांसफर करोगे एक एक्सपर्ट की एडवाइस के रूप में। तो वो आपको फाइल तैयार करनी है कि 20 वर्ष का 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप किस प्रकार से करोगे, वो सभी बातें इसमें बतानी है, वो भी एंट्री के द्वारा। तो ये इसमें एंट्रियाँ है, एंट्रियाँ करनी है अपने को कि आपने इस प्रॉफिट का क्या यूज किया है, ये सभी इसमें बताना। इसके बाद स्ट्रेस अपना है, ये देखिए, इसके बाद अपने को यूनिट नंबर 4 में चलते हैं। इसमें है अकाउंट्स ऑफ कंपनी लिक्विडेशन, अकाउंट्स ऑफ कंपनी लिक्विडेशन और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी लिक्विडेशन और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, तो ये वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है अपना। अकाउंट्स ऑफ कंपनी लिक्विडेशन, कंपनी को वाइंड अप करना है, वाइंड अप से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें दे रखी है कि कंपनी को किस प्रकार से वाइंड अप किया जाता है। तो वाइंड अप के अलग अलग स्टेप है, उसके द्वारा कंपनी को बंद करना है, और जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, क्लोज किया जाता है, कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस किए जाते हैं, वो स्थिति यहाँ पर। इसके बाद एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में आपको क्या करना है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में रनिंग बिजनेस को परचेज करना है। कभी कभी कंपनियां क्या करती है, रनिंग बिजनेस को परचेज कर लेती है और परचेज करके उसको भी कंपनी में कन्वर्ट करवा देती है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का वाइंड अप करना। कंपनी की कंडीशन खराब हो चुकी है, किसी भी रीजन से कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक्सपर्ट आते हैं, वो क्लोज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो सभी जानकारी इसमें आप अर्न करोगे। इसके बाद ये यूनिट नंबर 5, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, और ये है डबल अकाउंट सिस्टम। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी के आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनानी है। तो मैं तो इसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करनी होगी। होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडी कंपनी होती है, तो इनके अकाउंट कैसे बनते हैं, ये क्या कंपनियां होती है, कैसे अकाउंट बनाती है, वो सभी अपने को कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है। कहने का मतलब 2 कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी क्रिएट करनी है, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जॉइंटली कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है वो अलग डेफिनेशन है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो होल्ड करती है, दैट इज वो होल्डिंग कंपनी। जैसे ए ने बी को होल्ड किया है, ए ने बी को परचेज कर लिया है, या उसके शेयर से 51% अब शेयर्स अक्वायर्ड कर लिए है, तो ए बी के लिए होल्डिंग कंपनी है। वो तो हम डिटेल से जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, जब बताएंगे, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी आप समझ गए होंगे। ए ने बी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 51% से अधिक एक्वायर्ड कर लिए है, परचेज कर लिए है, तो ए बी के लिए होल्डिंग कंपनी है और बी ए के लिए सब्सिडी कंपनी है। और उस दोनों कंपनियों को मिलाकर एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और इसलिए इसका नाम है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या अकाउंट बनाती है, क्लियर। इसके बाद ये एक इसमें टॉपिक है डबल अकाउंट सिस्टम। तो डबल अकाउंट सिस्टम है, ये नॉन प्रॉफिट अर्न करने वाली जो भी इंस्टीट्यूट है वो ये यूज करती है। कहने का मतलब डबल अकाउंट सिस्टम में जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो कौन सी कंपनियां होती है, जिनका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिनका टारगेट जनहित करना है, जन सेवा करनी है, सोशल वेलफेयर करना है, वो सभी डबल अकाउंट सिस्टम बनाती है। जैसे रेलवे कंपनियां हैं, वाटर वर्क्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस कंपनियां हैं, ये जो सभी कंपनियां हैं ये आप सबको पता है इनका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है,
इनका टारगेट क्या है, जनहित में कार्य करना। कहने का जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती है उनका टारगेट यही होता है कि जनहित किया जाए, अधिक से अधिक जनहित किया जाए, इसलिए उसका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। बट उनकी भी लायबिलिटीज होती है, उनको भी अपना जवाब देना पड़ता है संसद में, सरकार को जवाब देना होता है कि आपने क्या काम किया है, कितना खर्च किया है क्या, तो उसके लिए अकाउंट तो मेंटेन करने ही होंगे। तो उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसमें डबल अकाउंट सिस्टम में किए जाते हैं। कहने का मतलब जिन कंपनियों को प्रॉफिट अर्न करने का टारगेट नहीं है वो कंपनियां अपना अकाउंट जो मेंटेन करती है वो डबल अकाउंट सिस्टम में करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका जो कॉर्पोरेट में टॉपिक है वो ये सभी टॉपिक है। अब इनमें मेन मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स मैंने चार या पांच टॉपिक पर मोस्ट लगाए हैं। मोस्ट का मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपके सेक्शन सी में आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। कारण क्या है? कारण स्टूडेंट्स ये है कि ये जो टॉपिक है ये एम कॉम लेवल में भी आते हैं। ये आप बी कॉम थर्ड ईयर में हो जब आप एम कॉम ए बी एस की भी करते हो तो ये टॉपिक आपको मिलेंगे, सीए करते हो तो भी ये टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि एबीएसटी में ये जो टॉपिक है अकाउंट्स के ये मेन है और टिपिकल है। इसलिए एमकॉम करते हैं वहाँ ये टॉपिक क्या है और थोड़े डिटेल से टिपिकल बना दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको थोड़े आसान मिलते हैं। बट जो प्रोसेस है वो एक जैसा ही है, सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वैसा ही रहेगा। आप यदि थर्ड ईयर में अच्छी तरह से इनको क्लियर करते हो तो एम कॉम यदि आप करते हो सी ए करते हो तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक इजी लगेंगे, आसान लगेंगे, अन्यथा यहाँ क्लियर नहीं कर पाओगे ना तो वहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको जब भी ये टॉपिक स्टार्ट हो तो विशेष ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए भी और आगे स्टडी करने के लिए भी। तो आप जो भी टॉपिक है ये सभी टॉपिक मैंने बिल्कुल आसान स्टेप से तैयार कर रखे हैं, तो इसमें आप तो रेगुलर क्लास लीजिए, आपको किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप रेगुलर जैसे आपको बताया जाए वैसे आप पढ़ते रहोगे तो मैं आपको ये कहता हूँ कि भी आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा हमारे पास बुक रहती है, हम कभी कभी क्या करते हैं आसान टॉपिक होते हैं बुक से ही स्टार्ट कर देते हैं। बट ये जो टॉपिक है ये कोई भी टॉपिक बुक से अपन चाहें कि डायरेक्ट हम स्टार्ट कर दें तो थोड़ी प्रॉब्लम अधिक आएगी और हो सकता है समझ भी नहीं है। इसलिए आपकी जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ वैसे वैसे उनको तैयार करते जाना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम गुडविल का टॉपिक कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में ही, जो गुडविल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला चल रहा है, उसकी भी हम वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से है उसकी। देखिए कोई भी टॉपिक होता है उसकी थीम यदि आपको क्लियर हो जाती है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। चैप्टर की थीम जरूरी है, एक एक क्वेश्चन के बजाय आपको उस जो टॉपिक है उस टॉपिक की पूरी थीम, पूरे स्टेप पता होना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की थीम क्या है, उसके द्वारा आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो इसमें से एक टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।